सो गाइस फाइनली मुझे लग रहा है कल की कल हमारे हाथ में गाड़ी आ जाएगी। बस इतना मेरे को पता है, अभी फाइनल हो चुका है, गाड़ी आज या कल हमारे हाथ में आ जाएगी। बताओ चलो। हे गाइस, फिर से आपके लिए लेके आ चुके न्यू एपिसोड न्यू दिन के शुरुआत से। तो गाइस आज फ्राइडे मतलब जुम्मा, तो आज के जुम्मे की नमाज पढ़नी है। आप सबको पता है हर फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज होती है, तो जुम्मे की नमाज पढ़नी है। आगे की सारी प्रोसेस करेंगे हम। तो सबसे पहले तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आई एम सलू एंड यू आर वॉचिंग सलू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सारे? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे और चंगे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे सब। तो गाइस आज मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे आज लग रहा है, फील आ रहा है कि आज मेरी गाड़ी फाइनली बुक हो जाएगी। कल मैंने ऐसे तो बात की, वैसे वो बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक हो जाएगी। तो ऐसा सीन हो रहा है ना कि मेरा बजट कम है डीपी का, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, बट आज हो जाएगा क्योंकि मेरे जो भाई मुंबई गए थे वो भी आ चुके आज। तो आज उन्होंने बोला कि मैं फाइनल करवा ही दूंगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, आज ही बुकिंग हो जाए, आज ही आज डिलीवरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट देखो अब किस्मत के ऊपर है, जाकर दुआ करूंगा, और कुछ कर नहीं सकता मैं। और आपकी दुआ की जरूरत है, दुआ करना गाइस मेरे लिए कि मेरी गाड़ी जल्द से जल्द आ जाए और जो जो परेशानी आ रही है सब दूर हो जाए। मेरे आगे बहुत परेशानी आ रही है, मैं बता नहीं सकता इतनी परेशानी आ रही है गाइस। तो कुछ नहीं, परेशानी को अवॉइड कर रहा हूँ, बट हो जाएगा सब ठीक, एक दिन सब ठीक हो जाता है ना, यही सोच के मैं सब परेशानी को भूल जा रहा हूँ कि एक दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कोई नहीं गाइस, तो आज फ्राइडे, तो पहले मैं जुम्मा पढ़ूंगा, ध्यान में आपसे बात करूंगा नमाज पढ़ के आके। तो अभी मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान में आपसे आके बात करूंगा गाइस। तो ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट नहीं पहन सकता मैं, हाफ भाई है, ये टी शर्ट नहीं पहन सकता। तो मैं कुर्ता पहन के नमाज पढ़ने जाऊंगा, फिर आकर चेंज करके वापस ये टी शर्ट में मिलूंगा। तो गाइस अभी मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान आके आपसे बात करता हूँ। सो गाइस जुम्मा की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ मैं, और अब सीधा जाना है हमको वहाँ पर लोन कराने। मैंने पैसे भी ले लिए और मम्मी का फ़ोन भी ले लिया है, क्योंकि इसमें ही ओटीपी आएगा मम्मी के फ़ोन, मम्मी के डॉक्यूमेंट पे कराऊंगा मैं लोन। तो ऐसा हुआ कि कल वाली जो लोन कराई थी ना, वो भाई ढंग से जवाब नहीं दे रहा, आज फिर गुस्सा आ रही है मेरे को। तो आज मेरे मुंबई से जो भाई आया, उन्होंने बोला आ जा तो तू गाड़ी लेके जाना, क्योंकि जो मेरे को गाड़ी लेनी अगर वो अवेलेबल हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो एक दो दिन का वेट आएगा गाड़ी का ऐसा कुछ। पर जाते वहाँ फिर पता चलेगा गाइस, तो पहले अपने वहाँ पहुँचते, चलो लेट्स गो। गाइज मैं जा ही रहा था गाड़ी के लिए, बट भाई ने बोला कि मैं खुद घर आ रहा हूँ, रहने दे, मम्मी से भी बहुत टाइम से नहीं मिले थे, तो वो बोले मम्मी से भी मिल लेता हूँ। तो अभी वो घर पर किसी को कॉल लगाए, बहुत सारी बात हुई, साइड डील डन हो चुकी है, सारी बात हो चुकी है, क्योंकि भाई खुद पहले शोरूम में काम करते थे और उनका खुद का भी शोरूम उन्होंने खोल के बंद किया हुआ है, तो उनकी लोन वोन कराते उनसे पहचान है। तो अभी उन्होंने सबसे बात कर लिया गाइस, चलो मैं दिखाता हूँ, भाई बैठ के बात कर रहे हैं, मम्मी भी बैठ के बात कर रहे हैं, वो सब दिखाता हूँ गाइस। कौन सी ले लो? बात मिलने अभी भी मेरी अम्मी एक्टिवा चलवाएगी मेरे से। क्या हो रहा है पर? सो गाइस गाड़ी का हो जाएगा आज इंशाल्लाह, भाई बेटा भाई ने करवाई है बात, हर जगह बात कर ली, तो आज हो ही जाएगा। मम्मी भी बैठे, भाई भी बैठे और हम भी बैठे। सो गाइज अभी फाइनली घर पर मीटिंग चल रही है, मम्मी की और भाई की बात चल रही है, जो भी बात होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। बस इतना मेरे को पता है अभी फाइनल हो चुका है, गाड़ी आज या कल हमारे हाथ में आ जाएगी, आज पूरी बात हो गई है। एक भाई और आ रहे लोन पास करने वाले, वो घर पे आ जाएंगे। मैं आपसे ज्यादा बात ही कर रहा हूँ, कल के ब्लॉग में भी पूरा दिन बात ही करी, जो मेरे को याद आई गाड़ी की वो सब, और आज भी आपसे बात ही कर रहा हूँ। तो मैं गया भी था शोरूम, गाड़ी भी देख के आया, और गाड़ी वहाँ पर ओनली गाड़ी वही थी और कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, मैंने बोला फंस जाऊंगा ऐसे तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो गाइस को टेंशन मतलब आज रात को या कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ब्लॉग में सब पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी है, क्या किया मैंने, सब प्रोसेस पता चल जाएगी आपको। बट अभी घर पर मीटिंग चल रही है, घर पर बात चल रही है, जो भी मम्मी भाई की बात चल रही है, मम्मी भी बैठे भाई भी बैठे वो सब बात कर रहे हैं, भाई भी बहुत दिन बाद घर पर आया तो पुरानी बातें चल रही है, समझ रहे हो ना, पुरानी बातें चलती रहती है इधर उधर की। तो बस वही चल रहा है घर में, और मैं यहाँ बाहर आके आपसे बात कर रहा हूँ गाइस। और हाँ गाइस, आज रात या कल मॉर्निंग था गाड़ी का सरप्राइज बूम हो जाएगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर, भाई आए तो उनके लिए ठंडा कुछ लेने, यानी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, तो जाते अभी कोल्ड ड्रिंक लेने, चलो। तो गाइस तुम्हारा भाई ठंडा लेके आ चुका, और ये देखो क्या क्या करते रहती है, क्या कर रही है, हाँ इससे खेल रही है, खेल रहा है, ले पिएगी, ओए पिएगी नहीं पीना, क्या वो ले देखो फ्रेंड, क्या तेरी उधर क्या के पास है ना, पत्थर के पास क्या है, उसको भी तुमको बताती हूं, बताओ चलो। देखो गाइस क्या दिखा रही है, पता नहीं मुझे, ये भी तो इनको फॉलो कर रहे हैं हम, क्या देखो ये कौन है, ये
कौन है? तेरी फ्रेंड है? हाँ। क्या है? फ्रेंड तुम इसकी फ्रेंड हो? अच्छा फ्रेंड हो, चलो मैं जा रहा हूँ ठंडा देना, है ना घर में। हाँ। बाय। हम इधर खेलते जाते। हाँ खेलो तुम, चलो ना बाय। गाय काट लेगी? गाय तो चारा खा रही है, गाय काटेगी थोड़ी। ये देख के आ रहा हूँ मैं ना। हाँ। चलो बाय। सो गाइस फाइनली मुझे लग रहा है कल की कल हमारे हाथ में गाड़ी आ जाएगी। मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ गाइस, बहुत खुश हूँ। सॉरी गाइस मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो अप्रूवल हो गई है लोन, कल मॉर्निंग में शायद कंप्लीट काम हो जाएगा और हमारी गाड़ी हाथ में आ जाएगी। यस मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकता गाइस इतनी खुशी है, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता वो वाला सीन है खुशी। यार बहुत मेहनत की मैंने, बहुत प्रोसेस लगी पड़ी थी, क्या क्या नहीं किया, हर जगह गया, हर इंसान से मिला डॉक्यूमेंट के लिए, लास्ट में मम्मी के डॉक्यूमेंट पे हो जाएगा, कल फाइनल है। समझ लो 90% फाइनल है और 10% मेरी किस्मत है, बट मैं 90% से भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कल के कल गाड़ी हाथ में आ जाएगी। सो गाइस आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने, जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की। मैं होप करता हूँ कल की मॉर्निंग मेरे लिए बेस्ट हो, सब कुछ अच्छा हो गाइस, तो कल के कल हमारी गाड़ी हाथ में आ जाएगी और सरप्राइज भी फूट जाएगा कि क्या थी, कौन सी गाड़ी थी, सब आपको कल पता चल जाएगा गाइस। यार मैं बहुत खुश हूँ गाइस। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सॉरी गाइज मैं आपसे सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ, मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे भी समझो क्योंकि मैं ऑनलाइन सारे काम कर रहा हूँ और ऑनलाइन सारे काम करवा रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोसेस चल रही है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेज दे रहा हूँ, यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि उल्टा वेरीफिकेशन वाला भी कल मॉर्निंग में घर ही आएगा, तो सब कुछ घर से ही काम हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको गाड़ी दिखाऊंगा और मेरे पास खुद के पास भी गाड़ी नहीं है बाहर जाने के लिए, तो क्या दिखाऊं गाइस, थोड़ा सा समझो तुम्हारे भाई को, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बस गाइस। बहुत खुश हूँ मैं और कुछ नहीं, खुशी मेरी लफ्जों से यार नहीं बयां हो पा रही, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मेहनत करा गाइस। आप देख रहे थे 3-4 दिन से मैं डॉक्यूमेंट के लिए भाग रहा था, क्या क्या हो रहा था मेरे साथ, बट फाइनली कल की कल गाड़ी हाथ में आ जाएगी। अगर मॉर्निंग में वो जो 10% वाला इशू है वो ठीक हुआ तो मेरी किस्मत भी आजकल बहुत खराब चल रही, होप करता हूँ कल कुछ सीन ना होगा इस, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई ने बोला कि नहीं हो जाएगी तो टेंशन मत ले। और प्लस पॉइंट तो ये कि मेरे को दो गाड़ी दिखाई, कलर सिलेक्ट करा मैंने, तो ब्लैक कलर सिलेक्ट करा है तुम्हारे भाई ने गाड़ी में, बस इतनी हिंट दे रहा हूँ ब्लैक कलर है, बट कौन सी गाड़ी है वो आपको कल ही पता चलेगा आने बाद गाड़ी। बस होप करता हूँ कल हो जाए सब कुछ ठीक। यार गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, अभी मैं खुशी खुशी सोऊंगा। तो बस गाइस आप व्लॉग पे बने रहो, कल के कल आपको पता चल जाएगा गाइस मैंने बहुत मेहनत की, आपको पता है आप सब देख रहे थे गाइस कि कैसे सीन हो रहे थे, मैं कहाँ कहाँ भागा, मैंने आपसे सब शेयर करा, मैं आपको कुछ बता तो नहीं पाया कि मैं कहाँ कहाँ गया क्योंकि गाड़ी नहीं है गाइस, थोड़ा समझो तुम्हारे भाई को, थोड़ा सा तकलीफ में चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा समझ लो, गाड़ी नहीं है कि मेरे पास तो मैं कैसे जाऊँ, मम्मी की गाड़ी ऐसा है, मम्मी का भी कभी भी काम होता है तो गाड़ी लेके चले जाते, और दीदी की गाड़ी जॉब पे रहती है और कोई एक्स्ट्रा गाड़ी घर पे है नहीं गाइस, इसलिए सीन हो रहा है, बट कोई नहीं गाइस हो गया है। होप करता हूँ कल सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बेस्ट हो और मॉर्निंग में मैं आपको गाड़ी दिखाऊँ सीधा गाइस, तो बहुत खुश हूँ गाइस। कुछ नहीं बस आज के व्लॉग में इतना ही, मेरी खुशी लफ्जों से बयान नहीं हो पा रही है, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में एक सरप्राइज के साथ, जो गाड़ी का होने वाला बूम करके फूटेगा, वो कौन सी गाड़ी है और कौन सही था कौन गलत था कल पता चल जाएगा, सब कमेंट्स में अपना अपना ओपिनियन बता रहे गाड़ी का, तो आज भी अपना ओपिनियन कर दो कमेंट में गाइस, कल आपको पता चल जाएगी कौन सी गाड़ी है। तो बस मैं बहुत खुश हूँ और कुछ नहीं गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, कल का वेट करो।